मेरे को किसी ने भेजा था कि वो प्याज इतना वैल्यू हो गया है कि एप्पल वालों ने ना एप्पल हटा के ओनियन लगा दिया आईफोन के पीछे. साउथ इंडिया में कुछ भक्त है, वो उन्होंने वो गहनों की जगह प्याज को पहना दिया. नहीं हमें तो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हो गया. चौथा प्रश्न है पुरुषावतारों के बारे में और पांचवा है लीला अवतार के बारे में. तो दूसरी बात, कुछ चीजें आपने अगर ध्यान दी होंगी, नोट की होंगी, तो कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे श्रवण कीर्तन के बारे में बताया, घूम फिर के पूरे भागवतम में यही चीज आती है. ठीक है ना, इसलिए आप ऐसे समझ जाएंगे आप भागवतम वाले, कुछ चीजें आप समझ लिए. तो एक तो श्रवण कीर्तन है, दूसरा मैंने बताया कि एक ही क्वेश्चन चल रहा है मेन, वो क्या क्वेश्चन है, समस्त जीवों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए. प्रश्न में भी सब जगह एक ही चीज चलती है, क्या, श्रवण कीर्तन है ना. और हर भक्त जब उसकी भक्ति सक्सेस होती है, भगवान प्रकट होते हैं, तो बदले में क्या मांग रहा है भगवान से, भक्तों का संग है ना, भक्तों का संग. तो कुछ चीजें आप समझ लीजिए कि ये बार बार आएंगी रिपीटेडली, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे भागवत. और एक चीज यहाँ है फिर से उसी तरह की, यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि हमें पुरुषावतारों के बारे में बताइए और पांचवा प्रश्न है लीला अवतारों के बारे में बताइए. कौन कर रहा है ये प्रश्न, इतना लोग समझाया मैंने यहाँ पे. अभी हम बाहर वाले लूप में हैं, है ना, सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं. तो यहाँ पे उन्होंने पहले पूछा कि आप पहले हमें पुरुष अवतारों के बारे में बताइए और फिर लीला अवतार. इसी तरीके से परीक्षित महाराज पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे, पहले पुरुष अवतार फिर लीला अवतार. फिर जब विदुर जी की बात होगी मैत्री ऋषि से, तो वहां पे भी यही होगा, पहले पुरुष अवतार फिर लीला अवतार. और जो हम लोग कथा करते हैं, पहले लीला अवतार नो पुरुष अवतार. कही सुना आपने, हमने पुरुष अवतारों के बारे में सुना है, कौन है पुरुष अवतार नहीं, लीला होता सब जानते हैं, लीला राम लीला रास लीला. तो पर जितने भी भक्त भागवतम सुन रहे हैं, हमारी कथा में जो चर्चा आ रही है, तो पहले पुरुष अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं. माता देवती को जब कपिल भगवान शिक्षा देते हैं, तो उसमें भी पहले पुरुष अवतार, हर जगह पहले पुरुष अवतार होगा. और इसलिए पहले पुरुष अवतार को समझना है. पुरुष अवतार में आपको ये ब्लैक बॉक्स जैसे हो गया. पुरुष अवतार माने सृष्टि कैसे हुई, क्योंकि सृष्टि करने के लिए भगवान पुरुषावतार लेते हैं तीन, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु. ठीक है, ये फोटो में आप देख सकते हैं, जो कमल है इसके अंदर भगवान स्वयं है. एते चांस कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण स्वयं भगवान है. और जब वो पुरुषावतार लेते हैं, सब देख रहे हैं ना, उसको कोने में ब्लू कलर का सर्किल है, उसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, दिख रहे हैं, उनके नीचे अनंत शेष नहीं है, दिख रहे हैं, वो कर्णोदक्षाय विष्णु है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना. वो है पहले पुरुषावतार, क्या नाम है, कर्णोदक्षाय विष्णु. फिर उन उसी ब्लू सर्कल में एक और अंदर सर्कल है, जिसमें एक और विष्णु जी हैं, जिनके ऊपर अनंत शेष है, माँ लक्ष्मी भी हैं और ब्रह्मा भी हैं, वो है गर्भोदक्षाय विष्णु. ये है दूसरे पुरुषावतार. और तीसरे है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि हमारे सब जीवों के शरीर के आत्मा में परमात्मा के रूप में कण कण में, जो कहते ना कण कण में भगवान विराजमान, वो कौन है, क्षीरो. ये तीन है पुरुषावतार. सबसे पहले इनकी कथा होती है, सृष्टि समझ में आती है, तब हमें पता चलता है कि हम डील किसके बारे में कर रहे हैं. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. तो इसलिए चौथा प्रश्न है पुरुषावतार, फिर पांचवा है लीला अवतार. क्योंकि लीला माने पता क्या होता है, सपोज करो आप दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, गए दिल्ली मेट्रो में, गए आप लोग,
दिल्ली मेट्रो में आप जा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, और थोड़ा दाढ़ी वाड़ी है उसका, और अच्छा कुर्ता वर्ता पहना हुआ है, जैकेट पहन, उसका बच्चे हैं, वाइफ है अपना, उसको बच्चा कभी उसके ऊपर बैठ जाता है, कभी बच्चा उसको मार देता है, कभी उसकी वाइफ उसको डांट देती है, कभी वो वाइफ को डांट देता है, कभी दोनों प्रेम करते हैं, कभी खाते हैं एक ही थाली में खाते हैं, तो आप लोग उसको देख रहे हैं, आप क्या कहोगे ज़्यादा कितना अच्छा परिवार है, इधर आएंगे है ना, हमारे भी परिवार ऐसे ही है ना, हमारा भी बच्चा ऐसे ही है ना, ऐसे तो कहेंगे हम। लेकिन जब आपको बाद में पता चलेगा कि यार ये व्यक्ति कोई नहीं, अब आपको अभी तक पता नहीं था, आप मेट्रो से बाहर निकले तो सब उसके वो माला वाला लेके खड़े हैं, अरे कौन है, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे यार ये उल्टा हो गया। क्यों? जब आपने उन लीला उसकी देखी, उसके परिवार के साथ उसका संग देखा, वो सब देखा, तो आप एग्जैक्ट उसको समझ नहीं पाए, उसको आपने हल्के में ले लिया, इसे कहते हैं सहज में लेना, समझ रहे होंगे, इसे कहते हैं सहज, हल्के में ले लेना किसी चीज को। क्यों हल्के में ले ली? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता थी, और जब पूरा डिटेल मिलता है कि कौन है कौन है कौन है, तब हम जब देखते हैं ना, तब हमारा सम्मान प्रेम और बढ़ता है। क्यों? हमें लगता है अरे यार ये तो इतना बड़ा आदमी हो के देखो अपने बच्चे से कितने अच्छे से बात करता है, देखो यार अपनी माँ से कितने अच्छे से बात करता है, इतना बड़ा आदमी। तभी तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनकी कोई घर की फोटो वायरल हो जाए, फिर देखो कितने लोग उसको देखना चाहते हैं, घर वो कुछ नहीं रहा, बस वो भी कर रहा है, हम भी करते हैं, हो सकता है हमारा टूथपेस्ट और महंगा हो, लेकिन वो फलाना फलाना खान ब्रश करते थे, बस सबके बाहर सब फैला दो। क्यों? आप उसकी महानता को समझ रहे हैं ना, तो उसकी पर्सनल चीजें जब आपको पता चलती हैं, तब आपके अंदर वो जो अंदर से जो भाव बनता है वो ज्यादा बनता है। इसलिए सब लोग पहले जानना चाहते हैं पुरुष अवतारों को, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं यार, यही वो भगवान है क्या? नहीं, मिट्टी खा रहा था वो, हमारा लड़का भी खाता है, हैं? उसकी माँ ने बांध दिया ना, ऐसे एक फिल्म में गाना भी है करके, मैं है ना, तो ये तो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हर जगह पुरुषावतारों के बारे में, सृष्टि के बारे में चर्चा होती है, फिर लीलाओं के बारे में। छठवां प्रश्न है कि धर्म ने किसकी शरण ली, तो धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रथम स्कंद के 3 अध्याय तक हो गया। ठीक है, फिर चौथे अध्याय से 19वें अध्याय तक आगे, अब मेन जो 6 प्रश्न थे उनका ऊपर 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 से आपको सूत गोस्वामी ने उत्तर दे दिया। ठीक है, ऊपर ऊपर से आप उसमें डिटेल में जाएंगे, है ना, कि वो कहेंगे और थोड़ा सा डिटेल में समझाइए ऐसे करके, है तो आगे वो फिर से प्रश्न पूछेंगे कि ये जो श्रीमद् भागवतम है क्यों इसकी रचना हुई, है ना, और कब हुई, किसने लिखा, क्यों लिखा, ये सब पूछेंगे, है ना। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछेंगे कि सुखदेव गोस्वामी तो इतने बड़े वैरागी हैं, है ना, वो उनको किसी से मतलब नहीं, जंगल में घूमते हैं। सुखदेव गोस्वामी का वर्णन भागवतम में आता है कि वो जहाँ से जब भी जाते थे तो किसी के घर पे उतनी देर रुकते हैं जितनी देर गाय से दूध निकालने में लगता है। तो आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा गाय से दूध निकालने में कितना समय लगता है, रोज ही पता होगा, तो उतनी देर है ना रुकते हैं, दूध पीते हैं, चले जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं, रुकता ही नहीं, हो टिकता ही नहीं कहीं पे, वो व्यक्ति 7 दिन एक जगह बैठ गया, ऐसे ऐसे 7 दिन रात एक ही जगह बैठा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है?
भाई कभी नहीं वो रुकता कहीं, ज्यादा ज्यादा रुकेगा कितनी जगह कितनी देर। प्रभु जी गाय के थन से एक थन से दूध निकालने में कितना समय लगता है? एक थन से कितना, कितनी देर रुकते हैं? ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति सात दिन सात रात एक ही जगह रुका रहा तो ऐसा। और एक तो ये महान, और दूसरे महान पूरे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित, उनको और कोई काम नहीं क्या, छोड़ के सब कल गंगा किनारे आराम से बैठे हैं सात दिन रात, कोई काम नहीं क्या, फैक्ट्री नहीं क्या और कोई काम नहीं क्या उसको, कैसे ऐसे दोनों का, ये दोनों अपोजिट है, एक तो राजपाट संभालने वाला इतना बड़ा राजा, घर गृहस्थी पूरा सब कुछ है उसका, एक वो बिल्कुल इस डायरेक्शन का और एक इस डायरेक्शन का बिल्कुल ही वैरागी, दोनों ऐसे कैसे मिल गए और सात दिन रात बैठे रहे बिना कुछ खाए पिए। तो इन सब प्रश्नों का आगे उत्तर देंगे। तो श्रीमद् भागवतम क्यों रचना हुई, कब हुई और इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, तो चौथे अध्याय में व्यासदेव ने सब कुछ लिखा है ना, और सब कुछ लिखने के बाद पूरा पुराण, उनका नाम वेद व्यास इसलिए बढ़ा, उन्होंने एक वेद से चार बना दिए, एक्सपेंशन किया, इसलिए नाम पढ़ गया वेद व्यास। उनका नाम तो कृष्ण द्वैपायन, क्यों, उनका शरीर भगवान के संग रंग का है कृष्ण, इसलिए कृष्ण द्वीप में उनका जन्म हुआ था, घर उनका द्वीप में था इसलिए द्वैपायन, जिसका घर द्वीप में हो कृष्ण द्वैपायन। फिर उन्होंने वेद, एक वेद होता है उसके चार बना दिए, वेदों का व्यास कर दिया, दो शब्द व्यास समास, समास माने छोटा करना, व्यास माने ठीक है। तो उन्होंने वेद व्यास ने एक के चार बनाए, फिर वेदांत सूत्र लिखे, उपनिषद और लिख दिया, दुनिया भर का लिखने के बाद, वैसे सारे वेद पुराण तो वेद व्यास नहीं लिखे, रामायण को छोड़ दीजिए, बाकी सब तो वेद व्यास ने लिखा है। तो ये सब कुछ लिखने के बाद है ना, वेद व्यास को लगा कि जो कम समझदार लोग होंगे वो नहीं समझेंगे, तो उनके लिए इतिहास लिखा महाभारत, फिर महाभारत में भी उनको लगा कि शायद नहीं होगा तो पुराण लिखे, समझने का वो संतुष्ट नहीं थे। जिस तरीके से एक पेंटर होता है ना, तो उसमें कई सारी पेंटिंग बार, एक पेंटिंग बार उसके दिमाग में कुछ थॉट आता है, या उसके मेंटर ने दिया होगा, उसके गुरु ने दिया होगा कि ऐसे एक पेंटिंग बना, उसने एक पेंटिंग बनाई और उसको लगा कि जो मैं चाहता था वो आया नहीं। हो सकता है कोई भी उदाहरण ले लो, डेकोरेशन वाला करने के बाद उसे लगे यार जो मैं चाह रहा था वो नहीं आया, कुकिंग करने वाला लगे यार जिस तरह से मैं टेस्ट लाना चाह रहा था इस करी में वो आया नहीं, व्हाट टू डू, लेट्स ट्राई अगेन, फिर से करते, कुछ और किया कुछ और किया कुछ और किया, नहीं हुआ, वापस कहाँ जाएंगे, किसके पास, किसके पास, गुरु के पास। तो व्यासदेव इस तरीके से व्यथित थे कि इतना कुछ करने के बाद व्यासदेव को अपने अंदर शांति प्रसन्नता नहीं है, इतना सब शास्त्र लिखने के बाद, तो वो इस दुविधा में थे। वहां पर नारद जी आते हैं उनके गुरु, और नारद जी कहते हैं हमें पता है, लेकिन नारद जी कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने गुरुदेव इतना सब कुछ लिखा पर फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो आप हमारी मदद कीजिए। नारद जी ने बिल्कुल गुस्सा किया, क्या कर दिया, सब कबाड़ कर दिया, अरे तुम कलयुग के लोगों को जानते नहीं, बुद्धि कम उम्र कम हाइट कम सब कम ही कम है, एक ही चीज ज्यादा है पाप, और इन लोगों को कैसे समझेगा यार, नहीं समझेगा, और तुमने दुनिया भर के कर्म कांड दे दिया, ये करो स्वर्ग जाओ, ये करो पितृ लोक जाओ, गंधर्व लोक जाओ, ये करो वो करो, तो एक्चुअली में तुमने उनको भ्रमित कर दिया। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं इसलिए नहीं पता, इसलिए महाप्रभु ने बिल्कुल क्लियर पांच चीजें शुरू में बताया ना, बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो नारद जी कहते हैं व्यासदेव को, वैसे करें क्या, नारद
जी कहते हैं अब जो है क्या करो, कृष्ण कथा का वर्णन करो। ये इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ये प्रेरणा है ना, उनका प्रश्न है ना क्यों क्या किस प्रेरणा से भागवतम लिख ली, ये प्रेरणा से। फिर व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी और श्रीमद् भागवतम जिसको बता रहा हूं पेंटिंग करता जा रहा है करता जा रहा है, उसका डिजायर्ड जो उसकी इच्छा है वो नहीं आ पा रहा है, पर फाइनली आ गया, गुरु ने फिर से कुछ सिखाया वो आ गया वो पेंटिंग, हाँ यही मैं चाह रहा था। तो फिर वो उसके नीचे टैग लगाएगा क्या, दिस इज द फाइनल, है ना, यही है सबसे, इसको बिकना है ना, म्यूजियम में ये लगाओ। पर कोई व्यक्ति आएगा कि नहीं हमें तो वो वाली चाहिए, वो पर वो नहीं है, ये सबसे फाइनल ये है, हमें वही चाहिए, ले जा वैसे ही फालतू पड़ी है, खाली का है नी, पता नहीं घर में कोई चीज फालतू पड़ी है उसको कोई खरीदने आ जाए आप कितने प्रसन्न होते हैं, अरे यार कबाड़ की चीज लेके जा रहा है कितना अच्छा पैसे भी मिलने। तो और सब काम में जो लगे हैं भागवत श्रवण कथा श्रवण श्रवण कीर्तन को छोड़ के वो वैसे ही है, कबाड़ को लेके जा रहे हैं पैसा देके, फ्री में मिल रही है परफेक्ट चीज नहीं लेंगे, समझेंगे। तो व्यास देव ने इसलिए भागवतम लिखने के बाद उस पर टैग भी दिया, क्या टैग दिया, निम्न गानम यथा गंगा देवा नाम यथा अच्युता वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम यथा भागवत, सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, देवा नाम यथा अच्युता सभी देवताओं में श्रेष्ठ अच्युत कृष्ण। कई बार सारी सोर्सों से हमें ये चीज क्लियर होती जा रही है कि सर्वश्रेष्ठ भगवान जिनकी पूजा करनी है कौन है, कृष्ण। यहाँ पे फिर व्यासदेव ने क्लियर कर देवा नाम अच्युता वैष्णव नाम यथा शंभु, मुझे बड़ा झगड़ा रहता है मैं बड़ा भक्त हूँ है नी, देवा ओ देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुम्हारे भक्तों में उसमें भी ये तुम्हारे भक्तों में हमसे बढ़कर दोनों ही गलत है ना। तो सारा कंफ्यूजन सॉल्व कर दिया व्यास देव ने, अब फाइनल करना है ना, कब तक लिखते रहेंगे भाई, सब कंफ्यूजन खत्म। वैष्णव नाम यथा शंभु सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, वैष्णव माने क्या जो विष्णु का भक्त है, कौन है वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु माने शंकर जी, डाउट क्लियर हो गया, सबसे बड़ा भक्त कौन है अभी कोई नहीं बोलूंगा उससे, सुनो वैष्णव नाम यथा शंभु पुराणा नाम यथा भागवत, समस्त पुराणों में श्रेष्ठ कौन है। दूसरा प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कैसे मिले, ठीक है। तो महाराज परीक्षित एक बार गए थे जंगल में और उनको बहुत भूख प्यास लगी है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कुछ कथा तो सीधी सीधी होती है अपने को समझ में आती है, कुछ कथा में सीधी सीधी भी नहीं समझ में आएगी पर हमें लगता है कि समझ में आ रही है, पर कुछ कथा तो जरूर हम गड़बड़ करते हैं, इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य 18 बुक जरूरी होती है। बिना श्री प्रभुपाद आचार्यों की टिप्पणी टीका तात्पर्य को पढ़े अगर हम पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से अनुवाद अनुवाद तो हमें समझ में भी नहीं आएगा और हमसे हो सकता है कई बार गड़बड़ हो जाए। जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज कथा तो आपको पता होगी ना, परीक्षित महाराज गए भूख प्यास लगी थी श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए, उनका पानी चाहिए ऋषि तो अपनी तपस्या में गए पानी दिया नहीं, परीक्षित महाराज ने क्या किया जैसे उसने गले में पहना है ना ऐसे एक सर उठाया और उनके गले में पहना दिया। गलती किसकी, किसी की नहीं, कौन बोला है ना। तो जिसने प्रभुपाद किताब नहीं पढ़ा वो बोलेगा परीक्षित महाराज बोलते हैं, ऐसा है ऐसा, इसने प्रभुपाद किताब पढ़ना है। जब इंद्रदुम्न महाराज को अगस्त मुनि ने श्राप दिया तब भी हमें लग सकता है गलती किसकी, इंद्रदुम्न महाराज की भी अगस्त मुनि की किसकी गलती पता है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य क्लियर करते हैं कि ये देव इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा थी कि ऐसा हो, भगवान की इच्छा क्यों थी, क्यों भगवान चाहते थे कि जीवों का कल्याण हो इसलिए ऐसा रचना रची ताकि श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव हो सके, प्राकट्य होना है ना।
भगवान कलयुग में ग्रंथ अवतार बन के आ रहे हैं तो उसका प्राकट्य होगा ना, तो प्राकट्य की लीला, इसलिए ऐसी रचना रच दी कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव बोल के श्रमिक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया और वहां से चले गए। जाते समय उनको इस बात का क्षोभ हो रहा था कि मैंने गलती करी। और वहां अब यहां क्या हुआ, ये ऋषि का बच्चा था ब्राह्मण, अभी यंग ब्राह्मण था, नया नया सब पावर था, किसी ने जाके सब खेल रहे होंगे, किसी ने जाके दिया रे, और राजा आया था नहीं था, देखो राजा इधर से गया, जो पता क्या कर गया, तुम्हारे आश्रम में तुम्हारे पिता के गले में मरा सांप डाल दिया, क्या बात कर रहे हो, किसी के पिता के कुछ बोल दे तो बच्चे जो कुछ नहीं कर सकते, एकदम से कैसे मेरे पिताजी को कुछ बोला, आप भी बता रहा। तो उसने क्या किया, तुरंत अब नया नया था पावर, तुरंत जल लिया और बस आज से 7 दिन बाद इस राजा का तक्षक नाग आके इसको मृत्यु हो जाएगी, बोल दिया। शिल्प उपाध्याय में लिखते हैं कि ब्राह्मणों का पतन यहां से शुरू हुआ, श्रृंगी उनका बेटा श्रृंगी ऋषि के पतन से ब्राह्मणों का पतन हुआ। कैसे, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी ब्रह्म पावर का शक्ति का दुरुपयोग किया, वही हुआ, ब्राह्मण अपनी पावर का दुरुपयोग वहां से चालू हुआ और ब्राह्मणों का पतन वहां से चालू हुआ और फिर सब नष्ट हो गया। ठीक है, तो वहां से जब आए वहां पता चला, आया बताया अपने पिता को, तो उनके पिता ने सुना कि तुमने महाराजा परीक्षित को साथ दे दिया, बोले हाँ, पता नहीं कुछ, वही महाराजा परीक्षित तो हैं जिनकी वजह से हम ऋषि मुनि जंगलों में शांति पूर्वक भजन तपस्या कर पा रहे, परम वैष्णव महाराज परीक्षित तुमने उनको साफ दे दिया, और साफ ऐसा, अरे गलती होती है उसके हिसाब से तो दंड दिया जाता है ना, मृत्यु दंड दे दिया, कलयुग तो एंटर करेगा, महाराजा परीक्षित ने तो रोक रखा है उसको। तो श्रमिक ऋषि ने कहा कि अब तो तुरंत एक संदेश भेजा महाराजा परीक्षित को उनके राजमहल में, महाराजा परीक्षित को बताया कि ऐसा ऐसा श्राप आपको दे दिया है, 7 दिन आपके हैं जिंदगी के, 7 दिन अंतिम 7 दिन महाराजा परीक्षित। अच्छा, हम अपने बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, हमें पता चले फोन आया, हेलो भाई 7 दिन बचे हैं आपके, क्या 7 दिन आखिरी जीवन के, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी चेकबुक निकालो। एक बार मैंने ऐसा पूछा है ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, बोला अगर आपको पता चले कि 7 दिन बचे हैं, तो कह रहा कि सर मैं ना जाके सारी बैंकों से लोन ले लूंगा और उस लोन से आराम से जाके ना फॉरेन वॉरेन घूम के साफ करके आऊंगा, बना ना। तो परीक्षित महाराज को भी ये पता चला कि मेरे पास जीवन में कितने दिन बचे हैं, 7 दिन। अच्छा, भागवतम का प्रथम स्कंद, 3 स्कंद तक थोड़ा सी जाएगा, शुरू शुरू 3 स्कंद, प्रभुपाद जी कहते 3 स्कंद समझना बहुत जरूरी है, 3 स्कंद में तो चरणों के बारे में हमें किसकी कृपा चाहिए, चरण तो चरण की धूल चाहिए, 3 स्कंद में सबसे ज्यादा पॉइंट समझने के लिए है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ा समय बचा है। परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला, पूरे प्रथम स्कंद में कई उदाहरण आएंगे, ठीक है, हमें ऐसे लग सकता है कि जैसे अभी पता है ना, ये बात बता के हम कंप्लीट करते हैं, है ना, कथा कहां शुरू हो रही है, एक प्रश्न से, समस्त जीवों के कल्याण के लिए क्या जरूरी है, बोले भक्ति करो, ठीक है, भक्ति करो तो आपको क्या होगा, ये आत्मा सुख से दीदी आप प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है, पर आप जो भागवतम खोलेंगे, बोले भक्ति जिनने करी उनके उदाहरण बताओ हमें, तो
तो बोले भागवतम पढ़ो। भागवतम क्या है? सारे भक्तों के चरित्र है, शुरू से लेकर अंत तक भक्तों के बारे में ही वर्णन है। इस भक्त ने भक्ति करी, इस भक्त ने ऐसे भक्ति करी, ये ठीक है, लेकिन उन भक्तों का लाइफ देखो। प्रथम स्कंद से कहानी शुरू होती है परीक्षित महाराज से। अच्छा खासा भक्त राजा, एक फोन कॉल आ गया, 7 दिन बचे, इतनी बड़ी गलती नहीं करी, पर क्या मिला? मृत्यु दंड में, ठीक है। अच्छा, क्षत्रिय के लिए युद्ध में लड़ना सम्मान की मृत्यु है, ब्राह्मण के हिसाब से मरना सबसे बेकार मौत है। तृतीय स्कंद में जब दिति को कश्यप मुनि ने बताया कि तुम्हारे बेटे सबसे बड़े राक्षस होंगे और बाद में भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, पहले तो जब बताया तो दिति को बड़ा शोक हुआ कि मेरे बच्चे ऐसा संसार में कष्ट देने वाले होंगे, तो बहुत बेकार बात हो गई। लेकिन लास्ट में बोला कि आपके बच्चे किसके द्वारा मारे जाएंगे, दोनों के दोनों स्वयं भगवान के द्वारा, तो प्रसन्न हो गई। क्यों? उसको बोला भगवान से मरेंगे तो इनका तो उद्धार वैसे ही होना है। तो कहती है बहुत अच्छी बात है कि मेरे बेटे भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, मुझे दुख तब होता जब इनको किसी ब्रह्म साप से मरते, ब्राह्मण साप से नहीं मरेंगे, इस बात की मेरे को क्या है, प्रसन्नता है। तो ऐसे महान राजा को इतनी गंदी मौत मिली ब्रह्म हत्या से, कितनी बदनामी होगी कि ऐसे खानदान का लड़का और ब्रह्म हत्या, ब्रह्म साप मिला। इनके खानदान की बड़ी वो है अर्जुन युधिष्ठिर पूरा, तो इनके साथ कितना हमें पूरी भक्ति करें बाद में हमें ऐसा मिल जाए। अच्छा चलो ठीक है। कुंती इतनी बड़ी भक्त, क्या हुआ? तो घर जला दिया, उसके बच्चों को घर से निकाल दिया, उसकी बहू के साथ पता नहीं गया, बोले भक्ति करो ये आत्मा से प्रसिद्ध थी। तो कुंती महारानी के साथ क्या क्या हो रहा है? अच्छा मॉडर्न डेज का एग्जाम्पल बताता हूँ भाई। आप गए ऑफिस है ना, रीति रीति भी ऐसे हो जाता है क्या? वो नहीं करते, कोई और कह रहा था सर। एक व्यक्ति, मैं जब ऑफिस में जॉब करता था तो एक व्यक्ति आया मॉर्निंग में ऑफिस, 3 दिन के बाद आया। क्यों आया 3 दिन के बाद? उसकी वाइफ का कुछ अचानक तो प्रॉब्लम कुछ हो गया था, तो बेचारा हॉस्पिटल में था, बड़ा परेशान था, कैसे भी करके 4th दिन ऑफिस में आया। ऑफिस में आया, बैठा, डेस्क पे फोन आया, गया, वापस आया, ऑफिस में तमाम पेपर ऊपर रख रहे थे, आके सब समेटने लगा, बैग में भरने लगा। मुझे क्या हुआ? बोले यार जॉब से निकाल दिया। क्यों? 3 दिन में आ नहीं पाए इसको, बिना किसी नोटिस के जॉब से निकाल दिया। अब हमने पूरे टाइम भक्ति करी है और अचानक हमें जॉब से निकाल दें, तो क्या हुआ? हमारा फेथ हे भगवान क्या कर दिया, इतनी भक्ति करी, इतना नाम लिया, फिर भी कुछ नहीं किया। ऐसे बोलते हैं लोग, उन्होंने इतनी भक्ति करी फिर भी उनके घर में ये हो गया वो हो गया, ऐसे है ना। तो आप देखेंगे विदुर, विदुर प्राइम मिनिस्टर थे, राजा के मंत्री थे विदुर। उनको एक दिन बुलाया ऑफिस में, फायर कर दिया, जॉब से निकाल दिया। विदुर को दुर्योधन कहता है इसको बाहर निकालो, दासी के पुत्र को कहां से इसको क्या सुना रहा है, बाहर निकालो इसको, और ध्यान रखना कि इसको ऐसा निकालना कि अपनी सांसों के अलावा और कुछ ना ले जाए, खाली इसकी श्वास छोड़ो बस, बाकी सब ले लो। अगर ऐसा हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो जब ऐसे बहुत उदाहरण है, परीक्षित महाराज को जब ये खबर मिल रही है कि 7 दिन बचे हैं आपके जीवन में, परीक्षित महाराज का रिस्पॉन्स क्या है और हमारा क्या होगा? भागवतम इसलिए है ताकि हम सीखें भक्तों से, है ना। परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान की अहित की कृपा मेरे पर हो गई है कि मुझे इस बात की जानकारी मिल गई है कि मुझे 7 दिन बाद मरना है। इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? मरना तो सबने है, आज तक कौन बचा है? रावण दंश जैसे बड़े बड़े अभिमानी मर गए, तो मरना तो सबने है, लेकिन भगवान की कृपा तो देखिए
कि मेरे को नोटिस दे दिया है ना कि भाई 7 दिन है, जितना लोन लेना है ले लो कृपा। तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, परीक्षित महाराज निकल गए, सबसे पूछा क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो इसी निकल गए। तुरंत भगवान को धन्यवाद बोला कि इतना बढ़िया अरेंजमेंट मेरे लिए किया, अब मैं फ्री हूं, छोड़ सकता हूं इजिली, घर गृहस्थी छोड़ दिया, अपने बेटे को राजा बना दिया तुरंत। ये नहीं कि अभी ये अकाउंट वो अकाउंट ये क्या क्या नहीं, इमीडिएटली सोचो एक राजा चक्रवर्ती राजा होने के बाद वह कितनी जिम्मेदारियां होंगी, तुरंत सब छोड़ के पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी ड्रॉप करके तुरंत जंगल में निकल गए ये पता करने की 7 दिन सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज हो सकते हैं। और वो निकल गए और वहां पर जो है उनको कई संत लोग मिले, ऋषि मिले, उसमें चर्चा हो रही थी। उन सब चर्चा के बीच में सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि परीक्षित महाराज के जन्म और उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताएं, वो जो है कल हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रथम स्कंद में एक सेक्शन ही बचा है, उसी में कुंती महारानी की प्रार्थना है और भूमि देवी और धर्म की वार्तालाप और कलयुग की एंट्री, परीक्षित महाराज द्वारा कलयुग को रोकना और सुखदेव गोस्वामी द्वारा कथा शुरू करना, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। ग्रंथराश्रम भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।